दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पफी फ्लावर बनाना, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। ये है देखिए हमारा पफी फ्लावर, मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है रेड कलर का। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये बनकर आया है। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं पफी फ्लावर। पफी फ्लावर बनाने के लिए आप सबसे पहले ऊन को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, फिर इसमें ऐसे डाल के ऐसे निकालेंगे। इसको यहाँ पे ये राउंड ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ पे एक चैन करेंगे ऐसे। अब हम यहाँ पर छः हमको इसमें इस फ्लावर में छः ऐसे आए हैं, तो कली की तरह आई है, तो यहाँ पे सात सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चैन करने के बाद 1 सिंगल क्रोशिया करना है, डबल क्रोशिया नहीं करना है। एक बार करके एक बार जो घुमा के एक बार निकालते हैं उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 6 है बट मैंने 7 इसलिए लिया है कि 7 लेने पे हमारा परफेक्ट बन के आता है। 6 में क्योंकि हम एक फंदे में फंसा देते हैं। अब इसको हम ऐसे खींच देंगे, इसको ऐसे खींच देंगे, इस वाले ऊन को ऐसे खींच दिए, तो ये देखिए ये गोल सा बन गया है अच्छा सा। अब इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, हमारा जो फर्स्ट वाला चैन है इसमें ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, थोड़ा टाइट हो गया मेरा यहाँ पे, तो आप थोड़ा लूज रखिएगा नहीं तो आपको ज्वाइंट करने में दिक्कत होगी। आप किसी भी ऊन से बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कोई परफेक्ट ऊन की ज़रूरत है। ये हमारा इसमें हमने ज्वाइंट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चैन लेने के बाद ऐसे एक बार घुमाएंगे धागे को और इस वाले चैन में डालना है। याद रखिएगा जो हमारा चैन बन कर आता है उसमें डालना है। इसको ऐसे घुमा के, हमारा ये थोड़ा पतला ऊन है लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी बन जाएगा बहुत ही खूबसूरत। इसमें ऐसे डाल के फिर ऐसे निकालेंगे। ये देखिए एक बार घुमाया, फिर ये दूसरी बार ऐसे डाला, फिर तीसरी बार डाला, फिर चौथी बार डाला, फिर ये पांचवी बार डाला, फिर ये छठी बार डाला। हम एक ही चैन में 6 बार घुमाएंगे इसको, फिर इसको ऐसे करेंगे, इसको यहाँ ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ 2 चैन लेंगे, यहाँ मैंने ये फर्स्ट हमारा था तो यहाँ पर हमने 3 चैन लिए थे, अब सारे में हम 2 चैन लेंगे, 1 एंड 2। अब इस चैन को हम वापस जाएं, ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया 2 चैन लेके, या वापस से यहाँ पे जहाँ से ये इस फंदे को मैंने निकाले थे सारे उसी में ही फंसाएंगे ऐसे। ये फंस गया हमारा ये। अब फिर वापस से 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर धागा घुमाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले चैन में डालेंगे, 1 2 3 4 5
एंड इज सिक्स। ये हो गया हमारा सिक्स टाइम। अब वापस ऐसे इसको सारे फंदे को गिरा दिए, फिर इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिए, फिर वन टू, टू चैन लेने के बाद वापस जहाँ से मैंने सारे फंदे उठाए थे वहाँ पे इसको फंसा देंगे। फंसाने के बाद फिर टू चैन लेंगे, वन टू, फिर थर्ड वाले चैन में ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ऐसे करेंगे, देखिए आप थोड़ा ढीला ढीला बिनिएगा, स्टार्टिंग का जो चैन मैंने बिना था वो ढीला रखिएगा, तो ऐसे आपको सारे चैन दिखेंगे। फिर इसको दो बार करने के बाद फिर इसमें यहाँ वन टू थ्री फाइव एंड सिक्स, सिक्स टाइम घुमाएंगे, फिर इसको सारे फंदे को उतार देंगे, फिर वापस से वही दो चैन लेके वन टू जहाँ से मैंने सारे फंदे उठाए थे वहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। देखिए ये हमारा तीन फ्लावर, तीन कली बन गया। अब ऐसे ही वापस से ये तीनों भी करेंगे, ये देखिए वापस से ही नेक्स्ट चैन में तीनों में करेंगे। देखिए ये आखिरी वाला है, तो इसको ऐसे करके दो चैन करके वापस से इसमें फंसा देंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर बन गया है। अब इसको हम यहाँ पर उनको कट कर देंगे। और ये जो अंदर वाला जो यहाँ पर ऊन निकला हुआ है इसको हम ऐसे पीछे की ओर ले लेंगे और इनमें गार्ड बांध देंगे। इसलिए बांध दे रहे हैं कि ये इजी होता है, ज़्यादा ऊन वेस्ट नहीं होता है, आराम से हो जाता है, हमारे ऊन वेस्ट नहीं होता। इससे चाहते तो हम नीडल्स में डाल के इसको फिनिशिंग के साथ कर सकते, तो ऐसे भी फिनिशिंग आ जाएगी अच्छे से। जैसे ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है तो अब ये जो ऊपर के हिस्से के ये बनाना है, इसके लिए सबसे पहले हम इस ऊन को ऐसे फंसाएंगे, ऐसे फंसा लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे नॉट डालेंगे, नॉट डालने के बाद यहाँ वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैन है जिसको फंसाएंगे इसको बड़ा रखेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसको बड़ा रखेंगे थोड़ा। फिर यहाँ पे हम दो चैन करेंगे, वन टू, दो चैन करने के बाद इस धागे को ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, चार डबल क्रोशिया करेंगे। वन टू थ्री एंड फोर, चार डबल क्रोशिया करने के बाद ये यहाँ वाले ऐसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे जो पहला वाला था इसमें फंसा देंगे, पहले वाले चैन में पीछे से ऐसे फंसा देंगे। ये फंसा दिए, देख रहे हैं ये गोल सा बन के आ गया है अच्छा सा। अब यहाँ पर हम इस धागे को ऐसे कट कर देंगे, इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। फिर यहाँ पर हम इसको ऐसे नॉट डालेंगे, नॉट डालने के बाद हम अपने इस पफी फ्लावर में इसको ऐसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये
इसका जो ऊन है इसको ऐसे रखेंगे, दोनों ऊन को यहाँ से ऐसे डाल के ऐसे खींच देंगे। बस हम खींच दिए, अब यहाँ पे हम ऊन्स को इस आपस में मिला के बांध देंगे, ज्वाइन कर देंगे, नॉट दे देंगे। इससे इसलिए मैंने इतने लंबे धागे छोड़े हुए हैं कि जिससे हम किसी चीज़ में बांधना हो या टैक करना हो तो इस धागे से हो जाएगा डाल के, इसलिए मैंने इस धागे को भी कट नहीं किया है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर बनकर आया है, पफी फ्लावर। देखिए ये हमारे दो पफी फ्लावर, ब्यूटीफुल पफी फ्लावर। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए और प्लीज़ हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर ज़रूर से ट्राई करें। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है ये पफी फ्लावर।